नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है सुबह के 7:15 और यूएस फ्यूचर हल्के फुलके जितनी बढ़त थी उतनी बढ़त को नहीं बना पाए और नीचे की तरफ ही बंद हुआ है कल यूएस का मार्केट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 34,390 और सुबह सुबह निक्की कमज़ोर है, हैंगसेंग भी थोड़ा कमज़ोर है और अपना मार्केट भी मुझे आज कमज़ोर ही लग रहा है। ठीक है, ओपनिंग कहाँ होती है देखना पड़ेगा, बट अगर प्रीमियम मीटिंग हुई तो प्रॉपर प्रीमियम मीटिंग हुई, बट अगर मोमेंट हुआ तो वो नीचे की तरफ ही होना चाहिए। ये मैंने कल ही आपको बताया था और आज भी मुझे वही लग रहा है, सुबह सुबह भी वही लग रहा है। ठीक है, तो बस 630 इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो अच्छा खासा नेगेटिव हो जाएगा, देन 575 ये लेवल पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। इंट्राडे टूटते ही मस्त ठोकी 575। ठीक है, और 600 के नीचे जाते ही अगर सस्टेन कर जाता है आधा पौना घंटा भी तो भैया 450-430 ये मेरा व्यू है, आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए एज पर चार्ट्स रीडिंग जो मैं कल कर पा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखेगा और तेजी ना करें, मैं तो यही कहूँगा। थर्सडे है और किसी को अगर कुछ करना ही है तो फिर भी 1 बजे के लगभग बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजी अपना सकता है। जो नए हैं मैं पोस्ट कर दूंगा उसको, देख लीजिएगा। अगर तेजी करनी भी है ठीक है तो 730-735 इसके ऊपर ही करें, वहाँ से आपको 780 तक देखने को मिल सकता है, बट 780 के ऊपर होल्ड होना फिलहाल मुश्किल है। फिलहाल 780 के ऊपर होल्ड होना मुश्किल है और इन केस 780 आपको होल्ड होता हुआ दिखता है, ऊपर जाता हुआ दिखता है, बिंदास बाय करके बैठ जाना। ठीक है, थैंक यू।